रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जैसा कि हमेशा से हमने घरेलू रेसिपीज़ लेकर आपके पास हाज़िर होते हैं प्यारे व्यूवर्स, आज हम आलू की भुजिया बना रहे हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और कुछ थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके आपको दिखाते रहते हैं। हमने ये, हमारे पास ये मिट्टी का लकड़ी का चम्मच है। हमने एक चम्मच भर के घी का ऐड कर दिया इसमें, ये घी गर्म हो रहा है। प्यारे व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, ये 4 से 5 मेरे पास पोटैटो आलू है, ये गर्म घी में मैंने आलू ऐड कर दिए। ये देखिए, आज मैं बहुत आपको आसानी से बनने वाले, बहुत ही ईजी से बनने वाले आलू चिप्स बताऊँगी। ये 1 टी स्पून मेरे पास नमक है, मैंने ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास है ऐसे 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला, और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून जीरा, और ये मेरे पास है 1 टीस्पून दड़ा मिर्च। ये देखिए, हम इसको ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास ऐसी कढ़ाई है, बिल्कुल पतली सी नॉन स्टिक की, इसमें चीज़ जो पकती है वो 0 आंच पे पकती है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। अब मैं इसको मिक्स करके दम पे ठहरा दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह, जैसे ये तैयार होंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है दड़ा मिर्च का डाला, मैं एक और डालूंगी क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने। मेरे जो आप पोटैटो हैं वो बहुत बारीक कटे हुए हैं, इसलिए ऐसे मैं आपसे कह रही थी 5 से 7 मिनट, लेकिन वो मोटे आलू के लिए होते हैं। ये बहुत ही बारीक कटे हुए हैं, 1 से 2 मिनट इसको मैं ढकूँगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको हल्की आँच पर पकाऊँ सारे खाने, और हल्की आंच पे पकाने से इनका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। जो लोग तेज़ आंच पे पकाते हैं उनका टेस्ट उड़ जाता है। कोशिश किया करें इनको हल्की आंच पे और लाइट आंच पे बनाने की कोशिश किया करें हर खाने को। ये देखिए, हम छोटा सा इसको छेंटा देंगे क्योंकि हम फील करें बस। हमने इसको 3-4 मिनट इसको भूना अच्छे से। अब हमने 1 मिनट के लिए इसको दम कर दिया, फिर इसको खोलते हैं। अब लास्ट में हम इसे थोड़ा सा मज़ीद छेंटा देने वाले हैं ताकि हमारे आलू जो है ना वो अच्छे से टेस्टफुल बन जाए। इसमें सबसे अहम किरदार दड़ा मिर्च का है। अब जो है लास्ट में हम 1/2 कप जितना पानी ऐड करके इसको ढक्कन बंद कर देंगे बस। हमने 1/2 कप इसमें पानी डाला चाय वाला, थोड़ा सा। ये मज़े का भुजिया का सालन, आलू की भुजिया सालन है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और जब आप इतना अच्छा खाना बनाएं और खाने वाले तारीफ़ करें तो बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ आता है। इसको 2 मिनट के लिए हमने ढक दिया, हमारा सालन तैयार होने वाला है। ये देखिए, हमारे आलू की भुजिया का सालन तैयार हो चुका। ये 1 चुटकी जो है हमने गर्म मसाला इस पर ऐड किया, और ये हमारा सालन तैयार। माशाल्लाह, देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल बना हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह, बहुत ही सादा सा और आसान सा और सबको पसंद आने वाला। ये देखिए, हमारा डिश आउट हो चुका माशाल्लाह से, पास से देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। इस तरह के रेसिपीज़ लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जो जुड़े हुए हैं उनका थैंक यू। और आपसे लास्ट में फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।